हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज बात करेंगे होस्टिंग हुक एंड इट्स टाइप के बारे में और इसके राइट और रॉन्ग प्रैक्टिस के भी बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं होस्टिंग हुक एंड इट्स टाइप। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस शंख हुक है, इस तरह का जो हुक देखेंगे जिसमें स्क्रू पार्ट रहते हैं जो कि क्रेन का जो मेन पार्ट होता है उसके साथ इसका अटैचमेंट आता है, तो इसको हम लोग शंख हुक के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा इस तरह का भी आपने हुक देखा होगा क्रेन में लगे हुए, उसमें स्विवल हुक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, मूव करता है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्ट, ये चारों तरफ हुक है जो घूमेगा, यहाँ पे चारों तरफ यहाँ घूमते हैं और यहाँ पे जो अटैचमेंट रहता है उसके साथ, तो इसका नाम है स्विवल हुक। इसके बाद नेक्स्ट जो ये हुक देख रहे हैं, ये हुक क्या होता है, ये प्लेट लिफ्टिंग हुक है। जो प्लेट आता है साइड पे तो उस प्लेट को उठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस पे जैसे ही लोड आएगा और इसको क्या करेगा, यहाँ पे प्रेस कर देगा और दब जाएगा, निकलने का कोई भी डर। जब तक इस पे लोड है तो लोड जैसे ही इस पे आएगा, ये हुक है जो और यहाँ पे आके इसके साथ प्रेस होगा और ये है जो इसको क्या करेगा, अच्छी तरह दबा देगा, तो इससे जो प्लेट होता है निकलने का डर नहीं रहता है। और ये जो हुक देख रहे हैं ये है, इसका नाम है स्लिप हुक, जो कि इसकी इस तरह का डिजाइनिंग इसका होता है। तो इसी के तरह और बहुत सारे डिजाइन होते हैं हुक में, जिसमें हमने कुछ ही को आपको बताने की कोशिश किया है, तो ये आप देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हुक इंस्पेक्शन किस तरह से करेंगे। तो हुक इंस्पेक्शन एंड रिजेक्शन क्राइटेरिया है जिसके ऊपर है जो हुक वहां पे यूज किया जाता है, अदरवाइज उसको क्या करता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हुक थ्रोट है इंक्रीज बाई मोर देन 15%। यहाँ हुक का अगर थ्रोट है जो 15%, ये वाला पार्ट जो है, अगर 15% अगर है जो इंक्रीज कर गया है, मतलब बढ़ गया है, तो उस केस में उसकी कैपेसिटी घट जाएगी और इस तरह के हुक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूज करते करते फैल गया है, बढ़ गया है, तो नहीं करना चाहिए। बियर एक्सीड 10% ऑफ ओरिजिनल हुक, ये देखिए बियर एक्सीड 10% ऑफ ओरिजिनल हुक सेक्शन डायमेंशन। तो ओरिजिनल हुक सेक्शन का क्या होता है, यही वाला पार्ट होता है, तो अगर इसमें भी अगर ये 10% से ज्यादा ओरिजिनल हुक है जो कि घिस गया है, तो उस केस में वैसे हुक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, बेंट और ट्विस्टेड मोर देन 10 डिग्री फ्रॉम द प्लेन ऑफ द अनबेंट हुक। तो इसका जो प्लेन होता है, यहाँ से अगर वो बेंट हो गया है 10 डिग्री से ज्यादा, बेंट हो गया, ट्विस्ट हो गया है, तो उस केस में भी यहाँ पे इस तरह के हुक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हुक शोज क्रेक एक्सेसिव निक्स मतलब कट और गेजेज। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या करा, हुक सोज क्रेक, अगर उसमें क्रेक नजर आ रही है तो उस केस में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्सेसिव निक्स मतलब उसमें कट गए हैं, यूज करने में कभी कभी क्या होता है, गलत ढंग से इस्तेमाल करने से वो कट जाते हैं, तो उस केस में भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट है जो गोजेज का मतलब होता है कि बेंट हो जाना, मतलब वो अपने तरह नहीं रह के इधर उधर थोड़ा सा बेंट हो जाना, तो अगर उस ऐसे केसेज हैं तो इस केस में हुक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बियर एक्सीड बाई 5% ऑफ हुक टिप्स। ये हुक जो टिप्स है अगर ये 5% से ज्यादा एक्सीड कर गया है तो इस केस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हुक इंस्पेक्शन करने का एक तरीका है, ये वाइड माउथ होता है, इस तरह का माउथ अगर वहां पे है तो इसका इस्तेमाल करना गलत है, ज्यादा बढ़ गया है। अभी जो हमने क्राइटेरिया बताया उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। रस्टेड, अगर किसी भी हुक में आवश्यकता से अधिक रस्ट लगे हुए हैं और यूज में नहीं है तो इसके इस तरह के इस हुक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हुक में कोई वेल्डिंग अलाउड नहीं है, देखिए यहाँ पे लैच की जगह पे अगर लैच नहीं रहता है तो कई जगह पे ऐसा आपने देखा भी होगा, साइड पे पाया जाता है कि यहाँ पे है जो बोल्ट को बेंड कर दिया जाता है और उसी से है जो उसका हुक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल गलत है, कोई भी हुक पे वेल्डिंग अलाउड नहीं है। तब अच्छे से भी आप ये सारी चीजों को आप समझ चुके हैं। चलिए अब हमारी बारी है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर यहाँ पे करेंगे कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।